गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। एजीके ट्रिपल वन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्क प्लेस। एक कंपनी वर्क प्लेस में एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसका काम क्या होता है एज ए वर्क प्लेस में, उसका ड्यूटी टेक करने के टाइम उसका ड्यूटी रेगुलेशन क्या होता है, तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे और आपको नई नई जानकारी सिक्योरिटी के बारे में मिलती रहे। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है एक सिक्योरिटी गार्ड वर्क प्लेस में उसकी ड्यूटी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो फर्स्ट में उसकी ड्यूटी होती है ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग। तो वर्क प्लेस में वो ड्यूटी करता है जब, तो उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। उसकी ड्यूटी हर टाइम, पोस्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो उसमें हर टाइम साइट चेंज होती है, उसकी ड्यूटी प्लेस चेंज होती है, तो हर टाइम उसके पास ड्यूटी करते टाइम नोटपैड पेन होना जरूरी है ताकि आपका जो भी रिपोर्टिंग है उसके ऊपर नोटेड कर सके और जो भी करेक्ट पर्सन है यानी कि आपका सीनियर सुपरवाइजर रहेगा, एसओ रहेगा, उनको आपको तुरंत जो भी ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो उनको ऑब्जर्व नोटपैड पे लिख के उसका टाइम वगैरह एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन क्या क्या था, सब प्लेस लोकेशन टाइम सब लिख के क्या हुआ था और किसके कारण हुआ था, ये सब जानकारी आपके सीनियर को देना है, जो भी करेक्ट अप्रोप्रिएट पर्सन है उसको देना है। अगर कोई आप ऑब्जर्वेशन कौन सा करना है, रिपोर्टिंग क्या करना चाहिए, तो कोई इंसिडेंट घटित होता है तो उसका रिपोर्टिंग करना है, ऑब्जर्वेशन यानी कि कोई सस्पिशियस केस आपको दिखाई देती है, उसके बिहेवियर में कैसा दिखता है, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, ये सब आप ऑब्जर्वेशन और रिपोर्टिंग जो देखेंगे ऑब्जर्वेशन वो आपको रिपोर्टिंग में करनी है करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है डिटरिंग एंड डेंटिंग क्राइम, यानी कि आपको जो भी कंपनी में या जो वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हैं तो आपको तुरंत क्या इसकी पहचान करनी है, जो क्राइम को डिटेक्ट करना है और उसको डिटेक्ट यानी कि रोकने की कोशिश करनी है। तो डिटेक्ट यानी कि कंपनी के जो रूल एंड रेगुलेशन है, अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर आ रहे हैं, गलत हो रहा है, इसको आपको डिटेक्ट करना है और उसको रोकने के लिए रोकने की कोशिश करना है, आपको सीनियर को रिपोर्ट करना है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना है, कहीं झगड़े क्लाफे कुछ भी हो तो आपको उसको पहचानना है, या तो सीसीटीवी कैमरे से पहचानो या तो आपको फिजिकली पहचानो, उसको मूवमेंट को पहचानना है और आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है, रिपोर्टिंग करना है आपके सीनियर्स और पुलिस को। उसके बाद में नेक्स्ट होता है कीप गुड पब्लिक रिलेशंस, यानी कि जब भी आप वर्क प्लेस में ड्यूटी कर रहे हो तो आपके जो भी एम्प्लॉयज हो, क्लाइंट हो, विजिटर हो, सर्विस स्टाफ हो, उनके साथ एक अपना रिलेशंस उसी तरह से होना चाहिए एज ए सिक्योरिटी पर्सन का होना चाहिए। जो भी आपको देखते ही उसके बारे में, आपको अगर क्लाइंट है या तो विजिटर से उनके बारे में सेफ्टी कंसर्न आना चाहिए, या तो कुछ देखते ही आपके बारे में सेफ्टी के बारे में उसको सोचना चाहिए, तो वैसा उनके साथ ठीक तरह से रिलेशंस मेंटेन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज। जब भी आप एक ड्यूटी वर्क प्लेस में काम कर रहे हो तो वहां पे बहुत सारी इमरजेंसीज घटित होती है, फायर होती है, एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, फ्लड होता है, बॉम्ब थ्रेट होता है, तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको क्या करना है, ड्यूटी टाइम क्विकली उसको रिस्पॉन्स देना है और जो प्रॉपर्टी हो, पीपल्स हो, उनकी लाइव्स बचे नहीं है, तो आप कभी भी ड्यूटी टाइम वर्क प्लेस में कर रहे हो तो आपको तुरंत उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, जो भी इमरजेंसी है उस दौरान आपका जो कर्तव्य है वो निभाना है और जितना क्विकली से क्विकली हो सके उसको रिस्पॉन्डिंग करना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग एक्सेस एंड यूजिंग अलार्म सिस्टम्स। जो भी देखो कभी भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हो तो आपको मैन यानी कि पीपल, मटेरियल एंड व्हीकल आदि तीनों चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसको कंट्रोलिंग करते टाइम आप एज एक्सेस कंट्रोल का अलार्म जो होते हैं उसका भी यूज कर सकते हो, यानी कि मानो अगर व्हीकल आ रही है तो वहां पे एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हो, मैन अगर क्राउड हो रहा है तो वहां पे एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हो ताकि एक एक अंदर जाए, और जो भी अलार्म है ज्यादा अगर भीड़ हो रही है तो अलार्म से भी आप उनको नोटिफाई कर सकते हो, तो ये सब आपको यूज करना ही करना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है पेट्रोलिंग। अगर वर्क प्लेस में आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको वर्क प्लेस के इनर साइड का कंटिन्यूसली राउंड लगाना है, डिटेल्स राउंड लगाना है, आउटसाइड का भी डिटेल्स राउंड लगाना है, जो भी आपके इक्विपमेंट है ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दे रही है या तो कुछ हजार्ड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं उसको आपको डिटेक्ट करना है और आपके सीनियर्स को रिपोर्ट करना है, या तो सीसीटीवी से भी आप सर्वेलेंस से आप पेट्रोलिंग
देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट होता है ट्रैफिक कंट्रोल। जब भी आप वर्क प्लेस में काम कर रहे हो तो बहुत सारी एम्प्लॉयज होते हैं, सब स्टाफ होते हैं, तो उनकी बहुत सारी व्हीकल्स होती है, टू व्हीलर्स होती है, फोर व्हीलर्स होती है, तो पार्किंग पूरा जाम हो जाता है। तो उसको हैंडल करने के लिए जो भी ट्रैफिक जाम है, तो कहाँ पे रिजर्व पार्किंग है, कहाँ पे रेगुलर पार्किंग है, कहाँ पे विजिटर पार्किंग है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से एक एक व्हीकल आप उसी पार्किंग पे जगह स्पॉट होने पे ठीक तरह से पार्क की जानी चाहिए, आपको देखना है। और जो भी कंपनी ऑथोराइज व्हीकल है वही अंदर आएगी, ये भी आपको देखना है। तो ज्यादा क्राउड ना हो सके और ट्रैफिक जाम ना हो सके, इस तरह से आपको ट्रैफिक कंट्रोल हैंडलिंग करना है। उसके बाद में होता है क्राउड कंट्रोल। तो आप वर्क प्लेस में जब भी काम कर रहे हो तो बहुत बार आपको ज्यादा लोग भीड़ हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसी भीड़ आपकी कंपनी का इवेंट हो, पार्टी हो, या तो इंटरव्यू शेड्यूल हो, तो उस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा क्राउड दिखाई देगा, ज्यादा से ज्यादा पीपल्स गैदरिंग होगी, तो उस क्राउड को कंट्रोल करना आपका फर्स्ट जिम्मेदारी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है फाइंडिंग सेफ्टी हैजार्ड्स। आप जब भी कंपनी प्रीमाइसेस में काम कर रहे हो तो आपकी कंपनी का होल लेंस राउंड लेके पूरा उसमें जो भी सेफ्टी हैजार्ड्स से कंसर्न है उसको पहचानना है आपको। जो भी वाटर लीकेज हो, वायर लूज कनेक्शन हो, वाटर किसी वायर कट हो गई हो, जैसे भी उसके किधर पे ऑयल गिरा हो, किधर पे पानी गिरा हो, ऐसे जो हैजार्ड्स से जो कंपनी के पीपल्स और कंपनी को हानि पहुंचाने हो उसको डिटेक्ट करना है आपको। सेफ्टी कंसर्न उनको डायरेक्टली आप ले जो भी सीनियर सुपरवाइजर्स होंगे उनको रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद में परफॉर्मिंग अदर स्पेशल ड्यूटी। जब भी आप रेगुलर ड्यूटी कर रहे हो तो उससे भी अलग से गार्ड्स होते हैं जिनमें अलग सा एक स्पेशल ड्यूटी परफॉर्मिंग के लिए उनको रखा जाता है, जिनमें अलग सी एबिलिटी होती है। तो उनको फोन हैंडलिंग, रिसेप्शन का तो ठीक तरह से लैंग्वेज आती है, उनको ठीक तरह से प्रॉपरली बात कर सकते हैं, तो उनको स्पेशल ड्यूटी टेलीफोन हैंडलिंग के लिए रखते हैं। फिर बाद में उनको रिस्पॉन्ड टू टेक्स्ट ईमेल्स होते हैं, उनको रिस्पॉन्डिंग करने के लिए रखते हैं। उनका जो इंग्लिश अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है, तो ऐसे कुछ इवेंट के लिए अच्छे फिजिकली फिटनेस में रहते हैं तो इवेंट के लिए भेजते हैं। एस्कॉर्ट पर्पज अच्छे गार्ड भेजते हैं। किसी इवेंट के लिए क्लाइंट आ रहे तो उनके लिए सेरेमोनियल ड्रेस पहन के अच्छे फिजिकल गार्ड देते हैं। तो ऐसी स्पेशल ड्यूटीज होती है अदर रेगुलर ड्यूटी के अलावा, ये भी ड्यूटी उनको करनी पड़ती है। तो आप कभी भी एक वर्क प्लेस में आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको ये ड्यूटी पॉइंट आपके पता होने चाहिए, ताकि आप कभी भी इंटरव्यू में फेस करें तो आपको ये ड्यूटी पॉइंट आनी चाहिए। ऑब्जर्विंग करना है, रिपोर्टिंग करना है, डिटरिंग एंड डेटिंग करना है। उसके बाद में कीप गुड पब्लिक रिलेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना है। रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज होगी उसको रिस्पॉन्ड करना है। कंट्रोलिंग एक्सेस एंड यूजिंग अलार्म सिस्टम्स आर सब जो भी अनऑथराइज पर्सन है उनको कंट्रोलिंग करने के लिए आपको एक्सेस का यूज, एक्सेस सिस्टम, अलार्म सिस्टम का यूज कर सकते हो। पेट्रोलिंग पूरे इनसाइड आउटसाइड के राउंड लगा के उनको दर सस्पिशियस कुछ मूवमेंट है क्या, आपको पेट्रोलिंग करता है। उसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल, जो भी व्हीकल्स है उनको ठीक तरह से कंट्रोल में ला के ज्यादा ट्रैफिक जाम ना हो, ऐसी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल करना है। क्राउड कंट्रोल, जब भी ज्यादा भीड़ होगी लोगों की तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए आपको। फाइंडिंग सेफ्टी हैजार्ड्स, जो भी कंपनी को हानि पहुंचाने वाले हैजार्ड्स है उसको पहचान कर उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। परफॉर्मिंग और अदर स्पेशल ड्यूटी, जो भी अलग से इवेंट होते हैं आपकी स्पेशल एबिलिटी का, टेलीफोन हैंडलिंग और जो ईमेल राइटिंग्स है उनको, ये ऐसी ड्यूटी आपके अगर वर्क प्लेस में है तो कोई भी पूछे तो आपको ये 10-12 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी ये है। अगर मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय।